बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 2.4। वन द फोर्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने वाला है। एटी वन रेस टू पावर एन इन टू थ्री रेस टू पावर फाइव माइनस थ्री रेस टू पावर फोर एन माइनस वन इन टू टू फोर्टी थ्री डिवाइडेड बाय नाइन रेस टू पावर टू एन इन टू थ्री रेस टू पावर थ्री। इसमें भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं जिसे हमने पहले क्वेश्चन में की। 81 थ्री टू जा थ्री सेवन जा थ्री नाइन जा थ्री थ्री जा एंड थ्री वन जा, ठीक है। ये हमारे बताया था वन टू थ्री फोर, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री होल पार एन इंटू थ्री एस टू पार फाइव माइनस थ्री एस टू पार फोर एंड माइनस वैसे लिख दें 243। इसकी भी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 243, थ्री से डिवाइड होगा थ्री एट सा ट्वेंटी फोर, थ्री वन सा थ्री टू सा थ्री सेवन सा थ्री नाइन सा थ्री थ्री सा एंड थ्री वन सा। वन टू थ्री फोर फाइव थ्री एस टू पार फाइव। अभी तो चाहे तो डायरेक्ट थ्री एस टू फाइव भी लिख सकते हैं, इसको थ्री एस टू फोर भी लिख सकते हैं। नाइन नाइन का था थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू थ्री होल पार टू एल थ्री एस टू पार थ्री, थ्री एस टू पार फोर होल पार एन इन टू थ्री एस टू पार फाइव माइनस थ्री एस टू पार फोर एन माइनस वन इन टू थ्री एस टू पार फाइव ओवर थ्री एस टू पार टू। ये थ्री इंटू थ्री था, इसको लिख सकते हैं थ्री एस टू पार टू होल पार टू एन इन टू थ्री एस टू पार थ्री, ठीक हो गई। इसके बाद पावर की पावर आपस में जो क्या होती है मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी थ्री रेस टू पावर फोर एन इन टू थ्री रेस टू पावर फाइव माइनस थ्री रेस टू पावर, अब चाहे तो आप इसको अलग अलग कर लें ताकि जरा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। थ्री रेस टू पावर फोर एन इन टू थ्री रेस टू पावर माइनस वन, बेस एक जैसी हो तो पावर आपस में ऐड होती है ना, जो पावर ऐड हुई थी उनको मैं अलग अलग कर दिया। थ्री एस टू पार फोर एन इन टू थ्री एस टू पार माइनस वन इन टू थ्री एस टू पार फाइव, ये वाला आ गया। और इस आपको कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी, पावर की पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, थ्री एस टू पार टू टू ज़ा फोर एन इन टू थ्री एस टू पार थ्री, इसको मल्टीप्लाई करती है टू टू ज़ा फोर एन। अब ऊपर देखें फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर में थ्री एस टू पार, ये पूरा हमारे पास एक फंक्शन है, ये पूरा हमारे पास एक फंक्शन है, इसमें अगर हम देखते हैं तो थ्री एस टू पार फोर एन इसमें भी है इसमें भी है, होल में से कॉमन आ सकता है जी, ये कॉमन आ गया थ्री एस सुपर फोर, थ्री एस सुपर फाइव इसमें भी है और इसमें भी है, थ्री एस सुपर फाइव ये कॉमन आ गया। बाकी यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा अब ये थ्री एस सुपर फोर इंटू थ्री एस सुपर फाइव कॉमन है तो यहाँ पर क्या बच गया वन। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, कॉमन लेने का क्या मतलब होता है डिवाइड करना। थ्री एस सुपर फोर एन यहाँ पर भी है और थ्री एस सुपर फोर एन यहाँ, थ्री एस सुपर फोर एन यहाँ पर है, थ्री एस सुपर फाइव यहाँ पर भी है, तो ये दोनों चीज़ें कॉमन आएंगी माइनस यहाँ पर क्या बच गया थ्री एस सुपर माइनस वन। अगर आपको ये सब क्लियर नहीं है तो ये समझ जाएंगे थ्री एस सुपर फोर एन इंटू थ्री एस सुपर फाइव, ये हमने यहाँ पर कॉमन निकाला, कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना, थ्री एस सुपर फोर एन इंटू थ्री एस सुपर फाइव, इसको मैं डिवाइड किया थ्री एस सुपर फोर एन इंटू, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा वन बचेगा पीछे, ठीक हो गया। अगर थ्री एस सुपर फोर एन इंटू थ्री एस सुपर माइनस वन इंटू थ्री एस सुपर फाइव से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी का बचेगा थ्री एस सुपर माइनस वन, ये इसी वजह से होता है।
उसके बाद यहाँ पर नीचे वाला बस क्या बचा 3s^4 n (3s^3। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक अलग हो गया, ये दोनों आपस में फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर इस तरह कर लें कि 3s^4 n, ये क्या था +5, बेस एक जैसी है, फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो गई, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएंगे -4n - 3। ये चीज़ हमारे पास सॉल्व होगी सारी, ये वाली, ठीक है। और बाकी हमारे पास क्या बचा 1 माइनस, ये 3s और माइनस होना है ना, इसको हम क्या करते हैं फ्रैक्शन के नीचे ले जाते हैं 1 माइनस 1/3, ठीक हो गया। ये दोनों 3s मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये 3s^4 n + 5, ये बेस एक जैसी थी, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो गई, और ये दोनों जो है ये ऊपर जाकर क्या हो गई पावर सब्ट्रैक्ट हो गई क्योंकि ये डिवाइड हो रहे थे। अब ये देखिए 3s^4 n प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो गया। बाकी क्या बचा 3s^5 - 3 अब ये 1 - 1/3 क्या करेंगे 3 LCM लेंगे, उम्मीद है कि LCM का नाम को आता होगा, 3 1 - 3 - 1, 3s^5 - 3 कितना हो जाएगा 2 × 3 - 1 - 2/3। आप 3s^2 चाहे तो पावर 1 है 2 - 1 कर लें, या 3s^2 है तो उसको 9 भी लिख सकते हैं आप, 9 × 2/3, ये 3 3 = 9 एंड 3 2 = 6, ये इसका 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और बाकी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।